भारत को 1983 का वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले क्रिकेटर यशपाल शर्मा अब हमारे बीच नहीं है। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। 1983 की इसी जीत पर आधारित फिल्म 83 में यशपाल शर्मा की जो भूमिका निभा रहे हैं वो हैं अभिनेता जतिन सरना, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से कुछ सवालात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यशपाल शर्मा का जो किरदार वो निभा रहे हैं वो किस तरह से निभा रहे हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप यशपाल शर्मा जिनका आप किरदार निभा रहे हैं 83 में, वो अब हमारे बीच में नहीं है। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? सबसे पहले तो ये कि जिस वक्त पता लगा तो बहुत शौक था, दुखी हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता, बिकॉज वो इतने फिट और इतने एनर्जेटिक इंसान है, और उनसे मुलाकात जब भी हुई है तो उनका वो जोश देख के बहुत अच्छा लगता था, और वही कुछ एक चीज़ें थी जो मैं उनसे रिलेट भी कर पाता था। और जिस वक्त ये पता लगा तो आई वॉज़ वेरी डिसहार्टेंड कि ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ देर तो संभलने में ही लग गया, फिर जब वो कन्फर्म हुआ तो समझ में आया कि इट्स रियलिटी, और बहुत ज़्यादा दुख है उस बात का कि इतनी जल्दी हमने उन्हें खो दिया। सिर्फ 66 साल के थे और काफ़ी फिट माने जाते थे, खुद पर काफ़ी ध्यान देते थे। आप उनकी भूमिका निभा रहे हैं, यशपाल शर्मा बने हैं और कबीर खान की जो फिल्म है 83 जिसमें रणवीर सिंह कपिल देव बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस किरदार को लेकर, और क्या आपने यशपाल शर्मा जी से इस बारे में कोई टिप्स लिए कि उनका किरदार कैसे निभाया जाए, उनके मैनरिज्म कैसे पकड़ा जाए ताकि वो किरदार आप अच्छे से पर्दे पर निभा सकें? जब इनिशियली मुझे ये रोल ऑफर हुआ था तब मैं उतना इंटरेस्टेड था नहीं, या मुझे ऐसा लगा था पता नहीं, बिकॉज यशपाल सर का नाम मैंने उतना नहीं सुना था। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसके बाद मुझे ऐसा हुआ था कि ये रोल करना ही है। एंड कबीर खान सर ने, मुकेश छाबड़ा सर ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल है, करना है। अब मेरा जो एज एन एक्टर जो मेरी ड्यूटी थी वो थी यशपाल शर्मा सर से मिलने की, उनसे जानने की कि वो किस तरह से गेम को लेके उनकी क्या फीलिंग्स थे, उनके क्या इमोशंस थे। और मैंने जो जाना वो यही था कि वो आदमी वो ऐसा था जो अपने आप को पॉइंट प्रूव करना चाहता था कि मैं टीम का अगर हिस्सा हूँ तो मेरा इंपॉर्टेंस है और मैं यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट करने आया हूँ, करूँगा। वो पैशन के साथ वो गेम खेलते थे, और मेरी जितनी बार भी उनसे बात हुई, जब मैं पहली बार उनसे धर्मशाला में हमारा 7 दिन का कैंप लगा था, जब सारी टीम वहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस करने गई थी, तो जब यशपाल शर्मा सर से मैं पहली बार मिला भी था तो एक देखते वो पर्सनैलिटी मैं इंप्रेस हो गया था कि यार ये बंदा तो कमाल है, अब मुझे ये प्ले करना है, अब मैं कैसे लिव अप टू करूँगा, मतलब कैसे उनको मैच करूँगा। क्योंकि वो उनका जो बात करने का तरीका है, उनके जो मैनरिज्म है, जो इमोशंस हैं गेम को लेके, वो वही समझ सकता है जो क्रिकेट से प्यार करता है या जिसने क्रिकेट खेला है। तो बहुत अच्छा रहा कि उन्होंने मुझे आके टिप्स दिए, अपने बैटिंग स्टाइल के बारे में बताया, और किस तरह से वो फील्ड पे जाने से पहले कैसे पोजीशन देखते थे, क्या बॉलर है, कौन है, कैसे है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो मैं तो क्रिकेटर नहीं हूँ तो मुझे समझने में भी मज़ा आ रहा था और उनसे सीखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो उन्होंने उस बारे में मुझे काफ़ी बताया, ट्रेनिंग हुई, मगर मेरा ध्यान ज़्यादातर उस पर रहता था कि वो बात करते वक्त कैसे एक्सप्रेशन है, उनके हाथ कितने चलते हैं, क्या करते हैं, बिकॉज क्रिकेट तो एक पार्ट है इस फिल्म का, मगर क्रिकेट से ज़्यादा उन लोगों के इमोशंस के ऊपर कहानी है कि वो टीम जो जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और वो जाती है अपने मुश्किल हालातों से सामना करती है और जीतती है। तो यशपाल शर्मा सर का कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। सेमीफाइनल में उन्होंने बहुत अहम 60 रन बनाए थे, और पूरी सीरीज का जो उनका औसत था वर्ल्ड कप का अगर की बात की जाए तो 34 था, बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये बताइए कि सबसे उल्लेखनीय बात उन्होंने, कोई यादगार बात उन्होंने आपको प्रैक्टिस कराते वक्त बताई हो, टिप्स देते वक्त बताई हो? मुझे बहुत बातें तो बहुत सारी हुई थी, मगर मुझे एक जो याद रह गई जो मेरे को बहुत वो कर रही थी वो ये थी कि जैसे मेरे कुछ सवाल भी मैं रखता था, मेरे पास ये सब कागज़ हैं, ये सब उनसे पूछने वाले सवाल हैं जिनमें से मैं कुछ एक पूछ पाया हूँ और कुछ नहीं पूछ पाया था। कुछ उदाहरण देना चाहेंगे कैसे सवाल आप पूछ रहे थे और कैसे जवाब वो दे रहे थे आपको? यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, एनी वन लाइनर्स, जो अगर आप कभी कोई यूज करते हो, कोई वन लाइनर्स होती होंगी, तो वाइल बैटिंग हाँ मतलब कॉल करने के लिए क्या बोलते थे आप लोग आपस में, या कमांड एंड व्हाट
पोजीशन, कौन से पोजीशन पे आप फील्डिंग करते थे, तो ये सब चीज़ों पे मैं उनसे बातें कर रहा था और वो सब चीज़ें थी। और वो काफ़ी बताते थे कि जब 89 जब पहले 3 मैच प्रैक्टिस के या हार गए थे और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ को फेस करना था अपने पहले मैच में, और उसमें 89 स्कोर करना, मैन ऑफ द मैच होना, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और यशपाल शर्मा सर का वो कंट्रीब्यूशन, आई थिंक इंडिया का वो स्क्वाड जो उस 1983 का, वो भूल ही नहीं सकता है। और उसने आई थिंक बेस पूरा क्रिएट किया था इंडिया की जीत में। और उसके बाद तो सबने जिस हिसाब से अपने अपने मैचेस में कंट्रीब्यूट किया वो है ही। और बाकी वो बहुत ही कमाल की एक टीम थी, उनमें इतना प्यार मैं आपस में देखता था टीम में, चाहे वो जिमी सर हो, वो जब अमरनाथ सर जब वो यशपाल सर के बारे में बात करते हैं, या श्रीकांत जब श्रीकांत जी जब उनके बारे में बात करते हैं, या कपिल सर उनके बारे में जब बताते हैं, या मदन लाल जी बताते हैं। मैं इनफैक्ट मुझे याद है, मैं हम लोग जुहू में प्रैक्टिस सेशन में थे और कीर्ति आज़ाद सर आए थे और वो सब इंट्रोडक्शन हो रहा था कि ये है, वो है, ये है। उन्होंने कहा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि यशपाल शर्मा कौन कर रहा है। तो मैं क्योंकि हाइट में वो सब मुझसे बड़े हैं, तो मैं आया और उन्होंने बोला अरे भाई तुझसे तो बच के रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों कह रहे हो? वो यशपाल से बहुत डरते थे सब, तो उनसे बड़ा खौफ रहता था क्योंकि वो थोड़े से लुधियाना के पंजाबी बंदे हैं, तो उनका एक अपना एक रौब था। तो ये सारी चीज़ें मेरे समझने के लिए, मेरे जानने के लिए बड़ी ज़रूरी थी। फैमिली के साथ उनका किस तरह का रिलेशन था, या आपस में कैप्टन के साथ उनका कैसा बिहेवियर था, सुनील सर, सुनील गावस्कर सर उनके सीनियर थे, तो उनके साथ कैसा। लेकिन ये बताइए कि ऐसी एक बात यशपाल शर्मा के बारे में जो किसी को ना पता हो, आपको पता चली हो जब आप उनसे टिप्स ले रहे थे, बैटिंग सीख रहे थे। ऐसी कई बातें होती हैं कि एक शख्स बहुत फेमस होता है लेकिन फिर भी उसके बारे में बहुत कुछ लोगों को, आम लोगों को नहीं। ऐसी कोई खास बात आपको पता चली यशपाल शर्मा के बारे में जब आप कैंप में शिविर में थे उनके साथ? वो पता है और वो अब आई थिंक अब वो राज ही रहेगी मेरे साथ भी, क्योंकि वो एक आपस की हमारी कुछ बातचीत थी, तो वो उसको मैं बता नहीं सकता हूँ, तो वो वही रहेगी, ठीक है। बट वो हमेशा ये बोलते थे कि गेम के प्रति जो उनका पैशन था ना, वो एक बहुत मानने वाली चीज़ थी, क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ, वो मेरी इंस्पिरेशन बना, क्योंकि लाइफ में मैं भी इसी पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ एज एन एक्टर। तो उनको प्ले करते वक्त मैं बहुत ज़्यादा उस तरह से क्लोज हो चुका था। अच्छा। तो आई थिंक यस, काफी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि राज ही रहेगी, कुछ बताना शेयर करना चाहेंगे? राज रहेगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, वो तो नहीं बता पाऊंगा अभी, बट ठीक है। वो बहुत अच्छा उनके साथ वक्त गुजरा, जब मैं दिल्ली भी गया था लंदन जाने से पहले, मैं उनके साथ मेरा कुछ एक दो घंटे का मीटिंग था, तो काफ़ी उन्होंने बताया कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स उनके बारे में किस तरह से बात करते थे, रिस्पेक्ट करते थे और किस तरह से अप्रिशिएट करते थे उनके गेम पे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और गेम में किस तरह से मैं फील्डिंग जब देखता था बैटिंग करते वक्त, तो उनकी निगाहें कैसी होती थी, चोरी से वो किस तरह से पूरा आंकलन कर लेते थे कौन कहाँ फील्ड पे लगा है, और सिंगल को डबल बदलने में और शॉट्स खेलने में क्या क्या उनका वो रहता था, वो सब बादाम शॉट जो बहुत फेमस उनके जाना जाता है उस, क्योंकि बादाम खाने के शौकीन थे और वही ताकत थी, वही पावर के साथ वो शॉट खेलते थे। तो काफ़ी तो इस तरह की बातें काफ़ी डिस्कस हुई थी उस दौरान। यकीनन आप मिस करेंगे, और ये फिल्म पैंडमिक की वजह से रिलीज़ नहीं हो पा रही है, पिछले साल 10 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी। इस बात का अफसोस रहेगा कि पर्दे पर आपको वो किरदार निभाते हुए देख नहीं सके और वो चल बसे, इस बात का अफसोस रहेगा? काश ये फिल्म रिलीज हो जाती, वो देख लेते और आपको यशपाल शर्मा के तौर पर देखते, और इस बात का अफसोस रहेगा? सबसे ज़्यादा इसी बात का अफसोस अब रहेगा, क्योंकि मुझे याद है बल्लू सर, बलविंदर सिंह संधू सर मुझे बता रहे थे कि यशपाल बार बार पूछता है कि मेरा रोल कौन कर रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि एक लड़का है, अभी नया एक्टर है, वो कर रहा है तेरा रोल और अच्छा करेगा, तू घबरा मत। तो यशपाल सर वो देख नहीं पाएंगे, और मैं चाहता था बिकॉज सच अ लेजेंड, उनका रोल करने का इतना हिस्टोरिकल इवेंट प्ले करने का मौका मिल रहा, तो मैं दिल से चाहता था कि मैं अपने लिए फिल्म नहीं देखना चाहता था, मैं उनके लिए देखना चाहता था, मैं उनके रिएक्शन नोट करना चाहता था, उनके लिए हूट करना चाहता था कि जब वो देख रहे होंगे अपने आप को कि ये मैं हूँ, तो कैसा एक्सपीरियंस होता उस वक्त, वो मैं देखना चाहता था।
बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाएगा अभी तो उसका तो आप सिर्फ मिस नहीं करेंगे, उनके तमाम जो चाहने वाले हैं, तमाम वो लोग जो उन्हें अभी या अब भी याद करते हैं कि 1983 के वर्ल्ड कप में कितनी अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी और उसके बाद क्रिकेट को लेकर जो जुनून है भारत में वो पूरी तरह से बदल गया था, बढ़ गया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज एक फिल्मी यशपाल शर्मा ने रियल यशपाल शर्मा को याद किया, उन्हें ट्रिब्यूट दिया और कहा हमसे कि किस तरह से वो उन्हें मिस करेंगे। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।